हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एपिसोड नंबर टू पे आ गए हम लोग, लेक्चर नंबर टू है ये। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैथोड रे और सीलोस्कोप, मतलब सीआरओ की बात कर रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीआरटी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीआरओ क्या होता है। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है ये है कि द सीआरटी मतलब कैथोड रे और सीलोस्कोप जो होता है, ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है टू मेजर या फिर एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल फेनोमिना। अब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फेनोमिना जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है क्या बेसिकली, तो वो हम लोग वोल्टेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगा, एक सिग्नल के फॉर्म में आएगा और उसको हम ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, मतलब ग्राफ पे देखेंगे। सेकेंड हमने पॉइंट लिख रखा है कि इट इज वेरी फास्ट एक्स वाई प्लॉटर शोज द इनपुट सिग्नल वेर इज इनपुट सिग्नल वर्सेज अनदर सिग्नल और वर्सेज टाइम। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा एक वोल्ट एक जो सिग्नल रहेगा वो वोल्टेज रहेगा और इसका वेरिएशन हम लोग देखेंगे टाइम के हिसाब से। कुछ अलग वेरिएशन के हिसाब से भी देख सकते थे, लाइक करंट के हिसाब से देख सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं वो है वर्सेज टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है कि द सीआरओ आर यूज टू एनालाइज द वेव फॉर्म ट्रांजिशन फेनोमिना एंड अदर टाइम वेरिएशन क्वांटिटी फ्रॉम अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब हुआ इसका, बोलता है कि द सीआरओ इज यूज टू एनालाइज द वेव फॉर्म को एनालाइज करता है, ट्रांजिशन को एनालाइज करता है, फेनोमिना को एनालाइज करता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, जो ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ये चीज़ की जाती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ये चीज़ नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राफ है वो इतना इतना नज़दीक नज़दीक आएगा कि हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो बात समझ में आ गई, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें कि आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये रहा, यहाँ पे है वॉकिंग ऑफ कैथोड रे ऑसिलेशन। इससे पहले आप एक ग्राफ देख लीजिए, एक ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए। ब्लॉक डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये जो ग्लास का जो ट्यूब रहता है, तो इसके बारे में आपको पता है ये क्या होता है, तो ये होता है सीआरटी। अब सीआरटी को क्या किया गया है, असेंबल किया गया है बाकी कंपोनेंट्स के साथ, और ये पूरा जो असेंबली है इसको बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट है, सबसे पहला है वर्टिकल एम्पलीफायर, फिर है डिले लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन की बात जो चल रही है ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, उसके बाद है ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस जनरेटर, एक है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर एंड बाकी चीज़ें स्क्रीन, एंड यहाँ पे ZNS का आपने स्क्रीन देखा हुआ था, हीटर है, ये सब तो चीज़ यहाँ पे देख रखा है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे हमने बात किया है कि CRT कैसे वर्क करता है, तो एक एक करके आप इस चीज़ को पढ़िए। वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, तो बेसिकली वहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, और हीटर क्या करता है, तो अपने जो बाहर में एक लेयर बना हुआ है दिख रहा होगा छोटा सा पार्ट में, हालांकि ये चीज़ हमने डिस्कस किया था सीआरटी में, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैथोड को गर्म करता है, गर्म करने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, फिर उसको फोकसिंग किया जाता है, उसको एक्सेलरेट किया जाता है, और एक्सेलरेट करके फाइनली उसको स्क्रीन पे स्ट्राइक कराया जाता है, और जब स्ट्राइक होगा तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वहाँ पे ग्राफ को रीड कर पाते हैं। दो टाइप के डिफ्लेक्टर वहाँ पे होते हैं लगे हुए, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिफ्लेक्टर क्या करता है, चीज़ों को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं उसको ऊपर भेज दिया, उसको नीचे भेज दिया, तो ये कंटिन्यू क्या हो रहा है और ये कैसे भेजा जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द जो इनपुट आपने सिग्नल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। मतलब सोचो, जैसे मैं बोलूँ कि वोल्टेज बढ़ेगा तो ये सिग्नल ऊपर, ये डिफ्लेक्शन ऊपर गया, कम होगा तो नीचे आया, और कम हुआ नीचे आया, जीरो हो गया इधर आया, नेगेटिव हो गया अब नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक दिखाई देगा कि ये ग्राफ पे एक सीधी लाइन आपको दिखाई देगी। लेकिन सोचो इसी सीधी लाइन को जो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, इसको अगर डिफ्लेक्ट करते जाऊँ मैं ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे मेरी तरफ, तो क्या होगा, ये एक ग्राफ ऐसा नहीं लगेगा, मतलब साइन वेव आपको बनाना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रही है मेरे हाथ के मूवमेंट से। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि फोकसिंग क्या होता है, फोकसिंग क्या होता है, अगला हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सेलरेटिंग एनोड क्या क्या काम करता है इसके बारे में, और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो अगर आपको इस स्लाइड की पार्ट लिखनी है तो लिख लीजिए, आप रिकॉल कर पाओगे। नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है ये है वर्टिकल अटेन्यूएटर, और इसको और एक चीज़ इससे लगी हुई है कि वर्टिकल एम्पलीफायर, ये चीज़ क्या होता है। देखो अटेन्यूएटर क्या होता है ना, कि जब आप सिग्नल देते हो तो यहाँ पे लिख रखा है हमने कि वर्टिकल अटेन्यूएटर सर्किट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ये ब्लॉक दिख रहा है बट इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो किसके हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के हैं। बेसिकली कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर अकेले नहीं आता है, उसके साथ रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। और उसके बाद बोला हुआ है कि इट सर्व टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल बिफोर इट पासेज टू द वर्टिकल एम्पलीफायर।
तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करता है। किस चीज़ का एम्पलीट्यूड को? तो हम बोलेंगे कि जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, या हम बोलेंगे जो जो उसकी पीक होगी, जैसे आपने वोल्टेज दिया है, तो वोल्टेज का पीक जो है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्यों रिड्यूस करना है? ताकि वो स्क्रीन पे आ पाए। ओके, अगला पॉइंट है कि वर्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि इट एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल विच इज टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन ऑफ CRT। CRT स्क्रीन पे जिस चीज़ को आपको जिस सिग्नल को लेना है उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसके बारे में बात चल रही है। ओके, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अगेन मैंने वो चीज़ बना रखा है, यहाँ पे है वर्टिकल अटेन्यूएटर। बात समझ में आ गई? तो अटेन्यूएटर और एम्पलीफायर क्या करता है, ये क्लियर हो गया। अटेन्यूएटर क्या करता है, क्या करता है बताइए? तो उसकी पीक को, मतलब एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करता है। दूसरी चीज़ है कि वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, तो इसको, इसके सिग्नल को बूस्ट करता है, एम्पलीफाई करता है, ताकि वो स्क्रीन पे ड्रॉ कर पाए। क्यों करना पड़ा आपको, क्यों इसको एम्पलीफाई करना पड़ा? क्योंकि जैसे ही अटेन्यूएटर जो है उसकी उसकी पीक को कम करेगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो वो जो ब्राइटनेस है, जो जो वहाँ पे जो स्ट्राइक होने की वजह से जो ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे वो ज़्यादा क्रिस्प हों, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा कि एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफाई करानी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब अगला जो हमारा कंपोनेंट है ना, वो है डिले लाइन। अब आपको दिखा दे कि देखो डिले लाइन कहाँ पे था, ये रहा डिले लाइन, आपको दिख रहा है ये पार्ट, वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद कौन सा है, डिले लाइन। अब देखते हैं डिले लाइन का क्या काम है। तो देखो डिले लाइन क्या करता है, तो बोलते हैं कि अ डिले लाइन इज यूज इन एन ऑसिलोस्कोप टू व्यू द लीडिंग एज ऑफ द ट्रिगर इवेंट। द ट्रिगर सिग्नल इज यूजुअली डिराइव फ्रॉम द वर्टिकल सिग्नल पाथ। द ट्रिगर एंड स्वीप सर्किटरी नीड 60 नैनोसेकेंड टू स्टार्ट, सो देयर इज नो सिग्नल डिस्प्ले ड्यूरिंग दिस टाइम। ये डिले लाइन क्या करता है ना बेटा, डिले करवाता है। किस चीज़ को डिले करवाने में, क्या क्या क्यों डिले करना है? देखो हम ग्राफ को देखना चाहते हैं, और ये कंटिन्यू क्या हो रही है, वैरी हो रही है। जैसे इंडिया में अगर बात करें, तो इंडिया में अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं या हम एसी करंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 50 बार। अब सोचो एक सेकंड में 50 बार चेंज होगा, क्या आपको स्क्रीन पे उसका चेंजेस दिखा पाएगा, दिखाई पड़ेगा आपको? नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही देखना पा रहे हो वो बदल जा रहा है, आप देख रहे हो बदल जा रहा है। तो हम क्या चाहते थे कि जो भी वहाँ पे डिस्प्ले हो वो कुछ देर तक रहे। तो कितना देर तक हम चाहते हैं वो रहे उसी जगह पे, तो हम चाहते हैं कि भाई कुछ देर तक रहे, और ये जो टाइम डिले लाइन है वो उसको डिले कराता है, मतलब अगला सिग्नल बनने के पहले थोड़ा सा लेट होगा। और लेट क्यों होगा, ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे आ पाए, आप ऑब्जर्व कर पाओ। और ये कितना देर का करवाता है, तो 60 नैनोसेकेंड का डिले करवाता है। ओके, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है कि एज द नेम सजेस्टेड दैट दिस सर्किट इज यूज टू डिले द सिग्नल फॉर द पीरियड ऑफ टाइम इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ CRT। द इनपुट सिग्नल इज नॉट अप्लाइड डायरेक्टली टू द वर्टिकल प्लेट बिकॉज द पार्ट ऑफ द सिग्नल गेट लॉस्ट। क्यों लॉस्ट हो जाएगा? क्योंकि आप नहीं देख पाओगे उसको, तो डिले होगा तभी देख पाएंगे। ओके, तो डिले लाइन की बात समझ में आ गई कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सिग्नल वहाँ पे रुके, डिस्प्ले पे रुके, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिले करवाना पड़ेगा, उसके जो जो गायब होने वाला जो चीज़ है उसको डिले कराना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगर सर्किट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है ट्रिगर सर्किट, तो बोलता है कि एन ऑसिलोस्कोप ट्रिगर फंक्शन इज इंपॉर्टेंट टू अचीव क्लियर सिग्नल कैरेक्टराइजेशन एज इट सिंक्रोनाइजेज द वर्टिकल स्वीप ऑफ द ऑसिलोस्कोप टू द प्रॉपर पॉइंट ऑफ द सिग्नल। द ट्रिगर कंट्रोल्स इनेबल यूजर टू स्टेबलाइज रिपीटेटिव वेव फॉर्म एज वेल एज कैप्चर द सिंगल शॉर्ट वेव फॉर्म। अब ये ट्रिगर सर्किट क्या है बेटा, कि जैसे जैसे देखो समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि ग्राफ आगे बढ़ रहा है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो मन में साइन वेव का। साइन वेव क्या हो रहा है, इस तरीके से चलते जा रहा है, और वहाँ पे डिस्प्ले पे ना आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि वहाँ पे साइन वेव ऐसे चलते जा रहा है। हम क्या चाहते थे कि वो जो चलना हो रहा है वो बड़ा क्रिस्प हो, ठीक है, आपको दिखाई पड़ पाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिगर सर्किट। और ये ट्रिगर सर्किट इतना ही नहीं करता है, ये उसको रोक के भी दिखा सकता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। आपके पास एक मैनुअल बटन होता है, उस मैनुअल बटन के थ्रू ना आप उसको घुमा के कंट्रोल कर सकते हो, मतलब रोक भी सकते हो। ये वेवफॉर्म चलते जा रहा है, आप उसको बोले रुक जाओ। रुक के क्या करना है आपको, आपको उसका एम्पलीट्यूड मेजर करना है, आपको उसका वेवलेंथ मेजर करना है, आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो ये सब करने के लिए आपको रोकना पड़ेगा, और ये कौन करेगा, ये ट्रिगर सर्किट करेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है ट्रिगर सर्किट का। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट अपना है पार्ट की टाइम बेस, या फिर हम उसको बोलते हैं कि स्वीप जनरेटर। ये क्या होता है, तो बोलता है कि टू जनरेट द टाइम बेस वेवफॉर्म इन अ CRO और अ पिक्चर ट्यूब द डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। ओके,
जनरली अ टाइम बेस्ड जनरेटर इज यूज वेयर द बीम डिफ्लेक्टेड ओवर द स्क्रीन लीनियरली एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट दिस अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्कैन। देखो क्या हो रहा है कि टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है ना वो स्वीप करता है, मतलब आपने अभी देखा कि ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे ऐसे बनते जाएगा और एक तरफ ना स्क्रीन पे लेफ्ट राइट ऐसे जाते जाएगा। ये जो चलते जाए टाइम के साथ साथ ये कौन कराएगा? ये कराएगा टाइम बेस्ड। ठीक है, ये कौन कराएगा? टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है? तो भाई वो जो पुराना पिक्चर था उसको स्वीप आउट करते जाता है एक तरफ, जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ जाते जाएगा। ओके, और ये चलता हुआ आपको मालूम पड़ेगा, मतलब ग्राफ ऐसे 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 आपको चलता हुआ मालूम पड़ेगा। कौन कराएगा ये चीज? टाइम बेस्ड जनरेटर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, अपने इससे पहले वर्टिकल एम्पलीफायर देखा था। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर देखिए क्या है, तो बोलेंगे द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर बेसिकली सर्व टू पर्पस। पहला, व्हेन द ऑसिलोस्कोप इज बीइंग यूज इन एन ऑर्डिनरी मोड ऑफ ऑपरेशन टू डिस्प्ले द सिग्नल अप्लाइड टू द वर्टिकल इनपुट, द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर विल एम्पलीफाई एंड स्वीप द जनरेटर आउटपुट। देखो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करता है ना, चीज़ों को हॉरिजॉन्टली वो कनेक्ट किया हुआ होता है, समझ लो ये ऐसे प्लेट लगा हुआ है, ऐसे प्लेट, ठीक है, और एक वर्टिकल में ऐसे लगा हुआ था। वर्टिकल की बात अपन नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सिग्नल ये जो है डिस्प्ले को ये हमारी तरफ लाते जाएगा, डिस्प्ले को हमारी तरफ नहीं बेटा। ओके, तो हम लोग को समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करता है, तो हॉरिजॉन्टली जो सिग्नल आ रहा है ना उसको एम्पलीफाई करता है। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता था, जो वर्टिकल सिग्नल आ रहे थे मतलब वोल्टेज वाला जो सिग्नल आ रहा था उसको वो एम्पलीफाई करता था। हॉरिजॉन्टल में कौन है हमारे पास, यहाँ पे टाइम, तो टाइम वाला जो सिग्नल आ रहा है ना उसको एम्पलीफाई करेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब है हमारे पास ब्लैंकिंग सर्किट। ब्लैंकिंग सर्किट ये होता है कि व्हेन द स्पॉट ऑन सीआरटी स्क्रीन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड द ट्रेसेज कैन कॉज कंफ्यूजन इफ इट इज नॉट इलिमिनेटेड। देखो ब्लैंकिंग सर्किट क्या करता है ना कि पहले जो इमेज वहां पे बना था उसको क्या करना है, हटा देना है ताकि नया इमेज बन पाए। तो ये जो हटाना है ये कौन करता है, ये ब्लैंकिंग सर्किट। नाम इसका समझ में आ रहा होगा आपको कि ब्लैंक करना। ब्लैंकिंग सर्किट क्या करता है कि एक बार बन गया वहां पे ग्राफ बन गया, उस ग्राफ को अगली बार हटा देगा, अगली बार वो ग्राफ आगे चला जाएगा, अब दूसरा ग्राफ वहां पे बनेगा। तो ये काम तो मतलब बेसिकली ये इरेज करता है, समझ में आ रही है। तो दूसरा पॉइंट हमें लिख रखा है कि ब्लैंकिंग सर्किट इज यूज टू इलिमिनेट द दिस ट्रेसेज। ट्रेसेज कौन सा, जो पुराना हो गया। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ें थोड़ी सी फास्ट लेके चलनी पड़ेगी, छोटे छोटे वीडियोज बना रहा हूँ, आप इसको दोबारा देख सकते हो। अगर कोई चीज़ मैं बहुत जल्दी बोल गया हूँ तो आप इसको दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।